करते समय लोगों की जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए ऐसे समय में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिवाली के मौके पर ज्यादातर हादसे असावधानी के कारण होते हैं। पटाखे जलाएं तो इन बातों का रखें खास ध्यान, बेहद नजदीक से या हाथ में पकड़कर पटाखों को ना जलाएं। पटाखा न जलने पर तुरंत उसके पास ना जाएं, हो सकता है वो अचानक फट जाए। शोर की तीव्रता कम करने के लिए ईयर प्लग या ईयर बड्स का प्रयोग करें। शराब पीकर पटाखे न जलाएं, ऐसे में कई बार सावधानी हटने से हादसे हो सकते हैं। बहुत तेज शोर करने वाले पटाखों और बमों से बचना चाहिए। माता पिता की निगरानी में ही बच्चे पटाखे जलाएं और बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं पटाखों से दूरी बनाएं। पटाखों की आवाज से यदि कान सुन्न होने, कम सुनने, सीटी बजने जैसी आवाज महसूस हो तो देर किए बिना चिकित्सक से संपर्क करें। इन परेशानियों में इलाज के लिए शुरुआती 24 घंटे प्रभावी होते हैं। रॉकेट जैसे पटाखे चलाते समय देख लें कि वो खिड़की, दरवाजे और किसी खुली बिल्डिंग के तरफ ना हो। अकेले पटाखे जलाने के बजाय सबके साथ मिलकर जलाएं, जिससे कि आपात स्थिति में लोग आपकी मदद कर सके। किसी भी बड़ी आग की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, ऐसे में आपकी आशंका वाली जगह पर पानी डालकर ही दूर हो जाए। एक पटाखा जलाने पर 8 प्रकार के रसायन और गैस निकलती है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, विशेषकर बुजुर्गों में, दमा के मरीजों और बच्चों के लिए। इतनी तेज शोर के कारण सुनने की क्षमता स्थायी और अस्थायी